गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज अंकित कुमार। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो है एक रिजोल्यूशन पास किया है। अब देखो, इंडिया में सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके बाद यूनाइटेड नेशन को ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर जो है बेसिकली मुसलमानों को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। इसी के कंटेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक रिजोल्यूशन पास किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन स्टोरीज, इसने क्या किया है, कॉल फॉर यूनाइटेड एक्शन टू कम्बेट राइजिंग इस्लामोफोबिया। देखो, इस्लामोफोबिया होता क्या है कि इस्लाम से डर, मतलब इस्लाम का देखो थोड़ा सा नेचर जो है ना वो बिगड़ गया है। जैसे कि अगर बात करें टेररिज्म की और उससे रिलेटेड एक्टिविटी को देखते हुए, लोग इस्लाम को कहीं ना कहीं हेट करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन इसी के लिए एक रिजोल्यूशन लेके आया है ताकि लोग इस्लाम से हेट ना करें, इस्लामोफोबिया से डरे नहीं। क्या है ये देखते हैं। व्हाट इन न्यूज, इंडिया अब्स्टेन फ्रॉम द वोटिंग ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन इस्लामोफोबिया। देखो, इंडिया जो था ये अब्सेंट था किसमें, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में, जहां पर इस्लामोफोबिया के बारे में रिजोल्यूशन की बात की गई थी। अब क्यों ये अब्सेंट था, क्योंकि ये अगेंस्ट हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड अदर फेथ के अगेंस्ट माना है इंडिया ने इसको। The resolution was introduced on the internal day to combat Islamophobia by Pakistan and co-sponsored by China. देखो, इंडिया का absent होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, एक बार के लिए इंडिया प्रेजेंट हो भी जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना दोनों ही वहाँ पे काउंटर करने के लिए इंडिया को बैठे हैं, इसीलिए इंडिया वहाँ पे absent रहा। काउंटर तो करेंगे, क्योंकि जो CAA है उसमें भी हमने देखा कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो बांग्लादेश के हो, अफगानिस्तान के हो या पाकिस्तान को, उनको क्या मिला, उनको यहाँ पे राइट्स मिले सिटीजनशिप के, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दिया गया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना ने सोचा कि चलो इंडिया को यहाँ पे घेर लेते हैं, लेकिन इंडिया इतना बेवकूफ थोड़ी है, इंडिया अब्सेंट हो गया, बोला हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब बात करते हैं यूएनजीए का, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्या है। देखो, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। इसका हेडक्वार्टर हमें कहा, न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन की, ये थोड़ी बात है यूनाइटेड नेशंस की। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है रिलीजियोफोबिया। रिलीजियोफोबिया क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एन इरिटेशनल और ऑब्सेसिव फियर और एंजाइटी ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फेथ, रिलीजियस पीपल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंडिया के अंदर, इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हर जगह मुस्लिम को लेके, जो एक मुस्लिम रिलीजन है उसको लेके रिलीजियोफोबिया क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं वो कहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। इवन कोविड के टाइम पे भी देखो तो बहुत सारा बवाल हुआ था इंडिया के अंदर, जहाँ पे भी दंगे भड़कते हैं वहाँ आप देखो तो मोस्टली टाइम वन पार्टी एक तो मुस्लिम होती ही होती है। और थोड़ा सा इनका जो अर्लियर वे में भी था कि इन्वेजन वगैरह करते रहते थे, तो इस वजह से एक रिलीजियस फोबिया बन गया है, जो कि इस्लामोफोबिया के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया हमें देखने को मिलता है। क्रूसेड वॉर भी हमने इसी इस्लामोफोबिया की वजह से देखा था। अब जो है फिलहाल 2022 में देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। देखो, यूएन जो है उसका एक काम है कि बैलेंस प्रोवाइड करना, तो यूएन कभी नहीं चाहेगा कि किसी एक कम्युनिटी को लेके इस तरह से क्लैश हो, इस तरह से उसको जज किया जाए। तो 15 मार्च 2022 को पहली बार इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अभी इसमें करीब करीब 57 मेंबर्स आप देख रहे हो। रिसेंटली जो है इस्लामोफोबिया को लेके जो रिजोल्यूशन है वो किसने पास किया है, तो रिजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान ने
और पाकिस्तान को बैक किसने किया, सपोर्ट किसने किया, तो वो किया चाइना की सरकार ने। अब देखो पाकिस्तान और चाइना जब एक साथ आ जाए तो इंडिया के लिए ये सच में एक बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है, इसीलिए इंडिया ने इस रिजोल्यूशन से बायकॉट किया। अब इंडिया का यहाँ पे क्या एस्पेक्ट है, क्या स्टैंड है इंडिया का, वो हम देखते हैं। इंडिया asserted दैट द प्रिविलेंस ऑफ रिलीजियो फोविया against हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड अदर फेथ फेसिंग वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन मस्ट also बी acknowledged rather देन सिंगलिंग आउट। बिल्कुल सही है, देखो कि आप सिर्फ एक रिलीजन इस्लाम की बात कर रहे हो, अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें जैसे पाकिस्तान में हिंदू बुद्ध ये सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो इनके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन उसी लेवल पे होता है, तो आप वहां पे क्यों बात नहीं करते हो, सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात क्यों हो रही है। बात होनी चाहिए तो हिंदुइज्म बुद्धिज्म सबके लिए बात होनी चाहिए, सिखिज्म की देखो कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, इनफैक्ट अभी यूके के अंदर हमने देखा है बहुत सारे सिखों के पगड़ी तक को उतार दिया गया। तो इनसे अगर बात करनी है तो आपको एक ब्रॉड प्रस्पेक्ट में करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के को लेके बात करनी चाहिए। ये हमारे इंडिया का स्टैंड था, ठीक है। अब कंसर्न क्या है इंडिया का वो देख लेते हैं। इंडिया एम्फेसाइज दैट पासिंग द रेजोल्यूशन शुड नॉट सेट प्रेसिडेंस लीडिंग टू मेनी रेजोल्यूशन फोकस्ड ऑन फियर लिंक टू पर्टिकुलर रिलीजन। देखो आप सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट है, ये सोचने का सब्जेक्ट है कि जहाँ पे हिंदुइज्म माइनॉरिटी है या अदर यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे क्रिश्चियन मेजर हैं और वहाँ पे सिखों के साथ गलत व्यवहार होता है तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो इसके जो स्कोप है वो एक लार्ज स्कोप होना चाहिए, ना कि एक स्मॉल स्कोप आप दिखा रहे हो सिर्फ इस्लामोफोबिया को लेके। तो इंडिया का कहना है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन रोकना है तो ग्लोबली हर एक रिलीजन के अगेंस्ट रोको, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया के ऊपर। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के सेशन। आई थिंक आपको रिलीजियो फोबिया और इस्लामोफोबिया का कंटेक्ट समझ आ गया होगा और क्यों इंडिया इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, क्यों अब्सेंट था। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि जब बात सिर्फ एक रिलीजन की होगी तो ऑब्वियसली बाकी रिलीजन्स के साथ वहां पे नाइंसाफी होगी। तो ये थे आज के आपके सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नए हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।